आप स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर शिवमय हुआ शहर। रतलाम में पहली बार महाकाल बाबा की शाही सवारी का हुआ आयोजन। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर धर्मालुजनों ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। रतलाम से केदारेश्वर तक की पद यात्रा का भी हुआ आयोजन। मांग नहीं मजबूरी है यह हड़ताल जरूरी है के नारे लगाते हुए वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर पटवारी संघ ने शासन के खिलाफ खोला मोर्चा। पटवारी संघ ने अधिकारियों को सौंपे बस्ते, अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत साइबर क्राइम से सुरक्षा पर महिला बाल विकास विभाग के स्टिकर और पैम्पलेट का कलेक्टर नंद सूर्यवंशी ने किया विमोचन। सावन के अंतिम सोमवार के उपलक्ष में जहां शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा, वहीं रतनपुरी धरा पर हर हर बम बम के जय घोष गूंजते रहे। चारों ओर शहर शिवमय हो गया था। सावन के अंतिम सोमवार के उपलक्ष में शहर में पहली बार बाबा महाकाल की शाही सवारी आयोजित की गई। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश प्रभु राठौर परिवार द्वारा सिख सेंटर काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर परिसर से हाथों में केसरिया एवं भगवान भोलेनाथ के ध्वज लेकर श्रद्धालु महाकाल की पालकी में शामिल हुए। हर हर महादेव जय महाकाल के उद्घोष के साथ देश प्रदेश व शहर में खुशहाली की कामना को लेकर बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल की शाही पालकी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। हाथी घोड़े ऊंट के साथ शाही पालकी का आयोजन हुआ। वहीं केसरिया ध्वज लिए हर हर बम बम हर हर महादेव जय घोष करते हुए श्रद्धालु जन चल रहे थे। शाही पालकी का शहर में जगह जगह सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पांडे एवं महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में स्थानीय तोपखाना पर पुष्प वर्षा कर शाही सवारी का स्वागत किया गया। Fire!
सावन के अंतिम सोमवार के उपलक्ष में जहां देवालयों में महादेव के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, वहीं शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सांवरिया ग्रुप द्वारा श्री कालिका माता मंदिर प्रांगण से केदारेश्वर तक की पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, निर्मल कटारिया, आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल के साथ बड़ी संख्या में धर्मालु जन महिला पुरुष शामिल हुए। सांवरिया ग्रुप द्वारा निकाली गई पदयात्रा का जवाहर व्यायामशाला, अंबर परिवार व राजीव रावत मित्र मंडल द्वारा भी स्थानीय श्री राम मंदिर चौराहे पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय खिलाड़ी वैभव जाट, युवा कांग्रेस नेता मयंक जाट, पार्षद श्रीमती आशा रावत, समाज सेवी राजीव रावत आदि मौजूद रहे। प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज रतलाम जिला पटवारी संघ ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करता आ रहा है। वहीं प्रदेश संगठन के आह्वान पर रतलाम जिला पटवारी संघ भी संगठन के निर्देश पर निरंतर अपना आंदोलन चलाए हुए है, जहां विगत दिनों जिला पटवारी संघ ने 3 दिवसीय अवकाश पर जाने के साथ प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए जहां गणपति जी की आराधना करते हुए शासन को सद्बुद्धि देने की बात कही थी, वहीं मानव श्रृंखला बनाकर भी पटवारी संघ ने प्रदेश सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करवाया था।
बावजूद इसके पटवारी संघ की मांगों को शासन ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पटवारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, जिसके अंतर्गत पटवारी द्वारा अपने अपने तहसील कार्यालय पर सरकारी बस्तों को जमा किया। पटवारी संघ प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया, जी हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ की डिमांड है, 25 वर्षों से हमारी मांग है कि वेतन मांग, और शासन ने कई बार हमें आश्वासन दिया लेकिन आज दिनांक हमें वो आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया और वेतन मांग मिला नहीं है। हमने कई बार शासन को कई प्रकार से प्रयास किए और उसके बाद भी शासन आश्वासन देता रहा लेकिन हमारी डिमांड पूरी नहीं की। अंततः हमें ये हड़ताल कर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मध्य प्रदेश पटवारी संघ हड़ताल पर रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत साइबर क्राइम से सुरक्षा पर एसपी कार्यालय और महिला बाल विकास कार्यालय के संयुक्त सहयोग से बने स्टिकर और पैम्पलेट का विमोचन कलेक्टर जिला रतलाम नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा कलेक्टर मीटिंग हॉल में एडीएम श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव, एडीएम आरएस मंडलोई, जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा, सहायक संचालक एवं बीबीबीपी नोडल अधिकारी कुमार अंकिता पांड्या, महिला बाल विकास के सभी परियोजना अधिकारी, स्थानीय बीबीबीपी सेक्शन लीडर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया। साइबर क्राइम से सुरक्षा पर बने स्टिकर और पैम्पलेट की विषय सामग्री संग्रहण में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोधा, साइबर क्राइम प्रभारी अमित कुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक मनमोहन शर्मा, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, मयंक व्यास और विपुल भावसार का सराहनीय योगदान रहा। साइबर क्राइम से सुरक्षा पर बने स्टिकर और पैम्पलेट का वितरण साइबर क्राइम से सुरक्षा पर आयोजित होने वाली परियोजना स्तरीय कार्यशालाओं में शासकीय विद्यालय की बालिकाओं, शासकीय छात्रावास की बालिकाओं, आंगनबाड़ी केंद्र की किशोरी बालिकाओं को किया जाएगा। महिला कांग्रेस द्वारा महिला कांग्रेस कार्यालय पर समानता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कुसुम चाहर द्वारा सभी को महिला समानता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का डंका बजा रही हैं तथा पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य कर रही हैं। भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त तो था लेकिन पंचायत तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रयास से मिला। इस अवसर पर पार्षद तथा उपाध्यक्ष आशा रावत, पार्षद निलोफर खान, पार्षद मीनाक्षी सेन सहित महिला कांग्रेस की सदस्यगण उपस्थित रहे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर शिवमय हुआ शहर। रतलाम में पहली बार महाकाल बाबा की शाही सवारी का हुआ आयोजन। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर धर्मालु जनों ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। रतलाम से केदारेश्वर तक की पद यात्रा का भी हुआ आयोजन। मांग नहीं मजबूरी है यह हड़ताल जरूरी है के नारे लगाते हुए वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर पटवारी संघ ने शासन के खिलाफ खोला मोर्चा। पटवारी संघ ने अधिकारियों को सौंपे बस्ते, अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत साइबर क्राइम से सुरक्षा पर महिला बाल विकास विभाग के स्टिकर और पैम्पलेट का कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने किया विमोचन।